अच्छा, मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आया कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? कह दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया। तो मैं डैड आया कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? कह दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं कीड़े खाने लग गया। तो मैं डैड आया कहता बेटा कीड़े मत खाओ। मैं क्यों? कहने दांत में कीड़े पड़े। मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ, इधर आओ, जरा बात करनी है। मैं कोई और बात करनी आती है आपको? कह रहे तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एंड दैट इज वन थिंग दैट आवर पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट अस, राइट? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बट दे नेवर एक्सप्लेन्ड व्हाई। और मुझे लगता नहीं उनके पास कोई रीजन है। वो बोली जा रहे हैं, हम माने जा रहे हैं फालतू में ऐसे ही। तो मैंने कहा एक बात बताओ पापा, क्यों करनी होती रिस्पेक्ट? कह रहे हैं वो बस करनी होती है। मैं क्यों मगर? कह रहे हम पहले पैदा हुए थे। और कह रहे और तो कोई रीजन है नहीं मेरे पास। मैं कहा रिस्पेक्ट नहीं की तो? कह तो दांत में कीड़े, पागल तो नहीं आ रहा? लाइक वी आर गुड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर गुड विद मैथ्स, वी आर गुड विद टेक्नोलॉजी, बट वन थिंग दैट आई थिंक वी आर नॉट गुड एट इज हैंडलिंग इंसल्ट्स। लाइक इफ समबडी इंसल्ट्स अस, वी जस्ट रिपीट द इंसल्ट लाइक इमीडिएटली, तू कुत्ता तू कुत्ता। या वॉल्यूम ऊपर कर दे, तू पैंचो तू पैंचो। Okay, recently one of my friends went through a breakup, and he's one of those guys who can't handle their breakups. तो ब्रेकअप बाद कुछ ज़्यादा ही रोने लगे, चली गई भाई, चली गई, ओह शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई। इनसे विश्वास ही नहीं होता इनको कि लड़की छोड़ सकती है। But what they do is they never tell you directly that they've broken up. What they do is they try to slip it in conversations. लेकिन कि हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत मतलब। आप फोन कर लो आपका मूड ही खराब हो जाए मतलब। मैंने कहा फोन किया, मैं कहाँ है? कह रहा हॉस्टल में। मैं कहा अकेला है? बहुत। मैं कोई नहीं यार, टेंशन मत ले, दारू पिया? कह नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया। विच आर पेरेंट्स डू, व्हाट दे विल डू इज दे विल रिपीट द होल फ्रेज। लाइक जो भी अपने सेंटेंस बोला एज इट इज वही रिपीट कर देते हैं, थोड़ी सार्कास्टिक टोन के साथ, बस वही वही डिफरेंस है। Like once I was bathing, my mom came. ये बारिश में नंगा क्यों नहा रहा है? मैं कहा मुझे लगा मजा आएगा। चुप कर, मुझे लगा मजा आएगा। And the sad part is that even if they have a good comeback, एक अच्छा comeback है जिससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एंड में रिपीट ही करेंगे, एक चुतियाब से एंड करेंगे, पता नहीं क्यों। Like my mom is very conservative, तो उनको लगता है ना बालों लंबे करना लड़कियों का काम है, लड़के नहीं करते ये सब। So once I asked my mom, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ थोड़े बाल लंबे करूँ यहाँ यहाँ तक ना। कह रही हाँ हाँ लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो। तो घर में थोड़े पैसे आएंगे, बाल लंबे कर लो।